दोस्तों आप सभी को बता दें कि श्रीमद् भागवत गीता में बताया जा चुका है कि मनुष्य की बर्बादी का कारण उसकी तीन आदतें बनती हैं। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के हर व्यक्ति के अंदर ये तीन अवगुण होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन पर नियंत्रण पा लेता है वह दुख और परेशानियों से बचा रहता है। दोस्तों वहीं जो व्यक्ति इन तीन दोषों पर नियंत्रण नहीं कर पाता है वह बर्बाद होने के कगार पर पहुंच जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जान लेते हैं कि भगवान कृष्ण ने वो कौन सी तीन आदतें बताई हैं जो हमें बर्बादी की ओर ले जाती हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अच्छी तरह से समझना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और इसी प्रकार के आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं उन आदतों के बारे में जरा विस्तार से। दोस्तों नंबर एक, इच्छा। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि दुनिया के हर व्यक्ति के अंदर का सबसे पहला गुण उसकी इच्छाएं होती हैं। कहा जाता है जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में नहीं रख पाता है वह जीवन के किसी क्षेत्र में सफल नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों जैसे ही उसकी एक इच्छा पूरी होती है वह दूसरी की ओर आगे बढ़ने लगता है और दूसरी पूरी होने के बाद तीसरी इच्छा मन में जागृत हो जाती है। ऐसे में इच्छाओं पर नियंत्रण ना होने के कारण व्यक्ति जीवन भर इसी जाल में उलझा रहता है और हमेशा दुखी रहता है। इसलिए दोस्तों आप सभी लोग अपनी इच्छाओं पर काबू जरूर करिएगा, अन्यथा आप कभी भी जीवन में सुखी नहीं हो सकते हैं। दोस्तों नंबर दो है क्रोध। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कई बार अत्यधिक क्रोध आने के कारण लोग गलत फैसला ले लेते हैं जो उनकी बर्बादी का कारण बन जाता है। दोस्तों इस तरह व्यक्ति के अंदर का दूसरा अवगुण होता है उसका क्रोध। इसलिए दोस्तों आप सभी लोग अपने गुस्से पर काबू जरूर रखें, क्योंकि गुस्से में सभी काम बिगड़ जाते हैं ना के बनते हैं, और शांत दिमाग से किया हुआ काम एक ना एक दिन सफल जरूर होता है। दोस्तों नंबर तीन है लालच। जी हाँ दोस्तों, तीसरा अवगुण जो व्यक्ति के अंदर होता है वह है लालच। ये सबसे खतरनाक अवगुण है। जैसे ही व्यक्ति की एक इच्छा पूरी होती है और उसका लालच बढ़ जाता है और दोस्तों उसके मन में कई और आकांक्षाएं जन्म लेने लगती हैं जो उसकी बर्बादी का कारण बनती हैं। इसीलिए दोस्तों एक कहावत कहते हैं कि लालच हमेशा विनाश ही करती है। इसलिए आप लोग अपनी लालच की आदत को हमेशा के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि लालच विनाश का कारण बनती है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। पसंद आने पर आप इसे लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।